जीवन में तप भी होना चाहिए, सेवा भी होनी चाहिए। आज की बेटी बहू माँ बाप के साथ रहना नहीं चाहती है। लड़का देखने आती है ना तो बोली करती है, मैं अकेली रहूँगी, माँ बाप साथ में नहीं चाहिए। ये हमारे भारतीय संस्कृति के संस्कार नहीं है। माँ को ये शिक्षा देनी चाहिए कि बेटा आज तू मेरी बेटी है, तुझे सामने पराए घर जाके किसी की बेटी बन के रहना है। तो कैसी भी सास हो वो जरूर माँ बन के रहेगी, लेकिन अपनी बेटी को ऐसे संस्कार देने चाहिए। ये संस्कार आएंगे कहाँ से? आहार बदलना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, सुबह से उठ के गरम गरम खाओ, फिर जितना गरम खाया इतना ये गरम, पति पे गुस्सा, बच्चों पे गुस्सा, सास पे गुस्सा, क्यों? प्रेम तो स्वभाव होना चाहिए। प्रेम को जितना दोगे उतना पाओगे। गुस्सा फिर हम जितना करता उतना सामने से पाते भी है ना, फिर आपके बच्चे भी सीख जाते हैं। ये ब्लड प्रेशर ऐसे ही थोड़े ना आता है। गुस्सा करने से हमारी नस 6 महीने तक फूली हुई रहती है। कितनी बार गुस्सा करते हो सोच लो, ये ब्लड प्रेशर ऐसे ही थोड़े ना आया है, इसमें भरा है और इसमें भरा है। तो गुस्सा कभी भी नहीं, हो सके उतने शांत, तप और सेवा। लेकिन सुमिरन के बिना सब कुछ अधूरा है। इंसान का आखिरी गोल प्रभु प्राप्ति है, आत्मा की खोज। सब कुछ पा लिया, धन दौलत पैसा शोहरत सब कुछ, लेकिन जिसके पास स्वास्थ्य नहीं है, मन की शांति नहीं है, वो जीवन क्या जीवन है? नहीं है। जीना उसका नाम है जो औरों को जीवन दे पाए। जो खुद पीड़ित है औरों को क्या दे पाओगे? केवल पैसों से सेवा नहीं होती है, कुछ सेवा जो तन से और मन से की जाती है वो भी एक सबसे अच्छी सेवा है। अलग अलग तरीके से करते हैं। कोई बेचारे बहुत बिजी है तो धन से, जिसके पास धन ज़्यादा है धन से करते हैं, लेकिन सेवा के बिना अपना जीवन अधूरा है। तो तप, सेवा और सुमिरन, तीनों का संगम यानी एक सफल जीवन। और सफल मनुष्य यही चाहता है कि उसके जीवन में ये तीनों का समावेश हो। इसके लिए पहला चरण आहार का अध्यात्म जानना। आहार का अध्यात्म जिसने जाना और घर में जिसने आहार बदला, घर का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? ये पार्ट के हाथ में है। ये पार्ट तो बेचारा कमाने जाता है। हम जानते हैं कि अभी तो महंगाई बहुत है, ये पार्ट भी बेचारा जाता ही है कमाने के लिए, महंगाई इतनी है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, पति देव को साथ देना पड़ेगा। हाँ, कमाना भी है, संसार भी चलाना है और परिवार को अस्पताल जाने से बचाना है। तो ये काम कौन करेगा? घर की गृह लक्ष्मी। किटी पार्टी में जाते हो तो किटी पार्टी केवल एक किस्म की नहीं होनी चाहिए, उसमें ज्ञान का आदान प्रदान वो भी होना चाहिए। और किटी पार्टी में अभी तो कैसा आदान प्रदान होता है, अरे कल तो हम वो होटल में गए थे, वहाँ क्या मस्त पिज़्ज़ा होता है, तू भी जाना अगले संडे उस होटल में। ऐसा ज्ञान नहीं बांटते हैं। ज्ञान कैसा बांटते हैं कि आज मैंने घर में ये बनाया, इससे इनका स्वास्थ्य अच्छा हुआ,
स्वास्थ्यप्रद वानगी सिखाना, ये जो यहाँ से वानगी की बुक ले जाओ ना, वो किटी पार्टी में अपना ज्ञान ऐसी चीज बना के सबको एक एक खिलाना, वो आपकी सही किटी पार्टी होगी कि आप अच्छा खिलाओ और उनका स्वास्थ्य अच्छा बने। तो हमें खान पान में बदलाव लाना, ये घर की गृह लक्ष्मी के हाथ में है। ये सेमिनार भरने के लिए आए, लेकिन दूसरे सेमिनार में हम ये सुन लिया है तो थोड़ी देर किचन में आए, आप आते ही है, मैं मना नहीं करती हूँ, लेकिन कोई एक चीज जैसे आज आपने बनाई, कल किसी और ने बनाई, तो कितना आसान हो जाएगा आपका रास्ता बदलना। जीवन बहुत सरल है, उसको आसानी से समझा जाए और किया जाए। तो आज घर में किसी को भी डायबिटीज है, आपके पति को है या किसी को भी है, तो क्या करना है, हमें ही करना है। ये पनीर फूल वो थोड़े ना भिगाएंगे, हमें भिगा के उनको देना है। ये तो बेचारे गरीब गाय जैसे है, क्योंकि शादी के बाद है ना, सब कोई ढीले हो जाते हैं। कोई ही ऐसा होता है कि बहुत स्ट्रिक होते हैं मेरे पति देव की तरह, है ना, कहने कहने में कैसा तीर मार दिया। समझने वाले को इशारा काफी है, अभी बैठे नहीं है, वरना कोई बात नहीं, ये सुनेंगे ना तो जाएगा ना, क्योंकि ये हमेशा ऊपर ऊपर रखना अच्छा नहीं है। आप प्यार से अपने पति को ये पनीर फूल भिगा के मसल के दे दोगे, उपवास जरूरी नहीं है उनका, पहले इस सिस्टम में लाना जरूरी है। आपके पतिदेव बोलते हैं ना कि मुझे दो पैर को खाना तो चाहिए ही, हाँ जरूर देना, बोले चाय तो चाहिए ही, लेकिन चाय के बजाय काढ़ा दे देने का, अदरक तुलसी पुदीना और वो लीली चाय आती है ना, लेमन ग्रास, वो डाल के अच्छे से उबालो, उसमें सौंठ पिपरा मुल्क जो भी डालना है, मस्त दालचीनी का पाउडर, इलायची जो भी डालना है, चाय का मसाला डालो मस्त, और उबालो पानी में, हाँ, और फिर थोड़ा सा ऑर्गेनिक गुड़ डाल दो, मस्त काढ़ा तैयार हो गया आपका तुलसी सुधा। अब ये सर्दी कब भी मिटाएगा और चाय भी छुड़वाएगा, और मस्त बना के रेडी रखो वो मांगे उससे पहले, और फिर जब वो मांगे तब वो फर्स्ट क्लास गरम गरम काढ़ा और पास में नींबू का रस निकाला हुआ रख दो, उनको डालना है तो जरा सा डाल दे, और लेमन टी पिए, स्वास्थ्यप्रद भी है, हेल्दी भी है, और चाय भी छूट जाएगी। भोपाल में ये किया जाता है, भोपाल में सुबह का उपवास नहीं करवाते हैं, 7:30 बजे तुलसी सुधा दे देते हैं। रेसिपी ये हाँ मैं बोलती हूँ, और वो रेसिपी मेरे पास स्वास्थ्यप्रद या आरोग्यप्रद वानगी डॉक्टर वर्दी भाई ठक्कर, नेचुरोपैथ डॉक्टर है, उन्होंने सारे ऑप्शन दिए हैं जीवन में, इतना सारा, वो भी हमारे गुरु है। ये जो जूस के कॉम्बिनेशन है ना, वो हमें उन्होंने सिखाए हैं कि कौन से चीज, ये अंजीर में इष्ट डाल के पीना, वो भी उन्होंने सिखाया है। इंसान अनुभव से सीखता है, तो हमने अपने पे अनुभव किए हैं, अपने खुद के बच्चों पे। मेरे बच्चे को जब बीमारी हुई थी, वो भी बहुत बीमार हो गया था मच्छर काटने से, 106.5 बुखार, थर्मोमीटर भी नहीं दिखा रहा था, उतना बुखार था, वो वर्दी भाई जी ने ठीक किया था, बर्फ के पानी का एनीमा दिया था। कैंसर पेशेंट को लहसुन का एनीमा, हाँ जम्स नहीं कैसे मरेंगे, मारने के लिए ये दौड़ाना पड़ता है, लेकिन ये सब ना मैं इसके सामने नहीं बोल सकती हूँ। तो ऐसे मेरे पास हर रोग का इलाज है, वो इलाज चौहान साहब ने भी सिखाया है, हमारे गुरु वर्दी भाई जी ने भी सिखाया है। जो हम भोपाल जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर गुलाब तेवानी, डॉक्टर रमेश तेवानी, ये जो कल जो आए थे डॉक्टर भावेश भाई, सब सबके पास मैं पीछे बैठ के सुनती हूँ,
और उसमें से अच्छा है ना वो पकड़ लेती हूँ, और फिर खुद पे इम्प्लीमेंट, अनुभव करके, अनुभूति करके और किसी को बताने का। हम यही करते हैं क्योंकि हम तो 3D डॉक्टर है भाई, डिग्रीलेस ड्रगलेस डॉक्टर। मैं तो MA पास हूँ, मैं साइंस टीचर की बेटी हूँ। मेरे पिताजी है ना वो प्रोफेसर थे माधवानी कॉलेज पोरबंदर में, मेरा जन्म पोरबंदर का है। और मेरे पिताजी साइंस कॉलेज में प्रोफेसर थे, उन्होंने हमें पहले ही कह दिया था 7वीं कक्षा से कि देखो बेटा कहीं भी आंख लड़ जाए ना तो हमें बता देने का, प्रेम करना कोई गुनाह नहीं है, ये आपका हक है। अब आपकी उम्र आएगी, कहीं भी आंख लड़ जाए तो हमें कह देना, सिर्फ गलत रास्ता मत पकड़ना और पात्र ऐसा चुनना कि आपको जिंदगी में कभी हैरान न करे। थोड़ी लंबी सोच, लंबी रेस का घोड़ा होना चाहिए, वो आपका पात्र होना चाहिए। हम तीनों भाई बहन को ये बता दिया था, किसी को प्रेम नहीं हुआ, सबका अरेंज मैरिज, तीनों को इतनी, क्योंकि स्प्रिंग को जितना दबा के रखते हैं ना उतनी उछलती है। उसको छूट दे दो कि जाओ प्रेम करो, विवाह नहीं, हमसे पूछ के। बस उन्होंने इतना समझा दिया और हमने किसी ने नहीं किया। मेरा जन्म भी फ्रूट पे ही हुआ है, मेरी मम्मी की हेरी ऐसी थी, अंगूर और संतरे और गन्ने का रस और क्या पांच चीजें थी उनको जो सीजनल पसंद थी, और फिर मेरा जन्म हुआ है, और वो भी भूल से, क्योंकि मेरा एक भाई और एक बहन है, 10 साल बड़ा भाई है और 8 साल 8.5 साल बड़ी बहन है। तो ये पढ़े लिखे लोग थोड़े ना फिर तीन तीन बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन मैं उनकी भूल का फूल हूँ मेरे माता पिता की भूल का फूल हूँ, क्योंकि मम्मी को तब तो ऐसी सब सुविधा नहीं थी, तो डॉक्टर को दिखाया तो बोले कि आपके पेट में तो पानी की गांठ है जो घूम रही है। मेरी मम्मी बोली मेरे को ये कुछ बच्चे जैसा लग रहा है, नहीं नहीं गांठ है, बोले गांठ बहुत बड़ी हो रही है, 7 महीने के बाद पता चला कि पेट में बच्चा है। अब क्या करें, क्योंकि यूरिन में तो ब्लड जाता था, पता ही नहीं चला, और फिर अब क्या करे, 7 महीने के बाद छुटका ही नहीं था कि उनको मुझे जन्म देना पड़ा, और मेरा जन्म हुआ। फिर मेरे पिताजी बोले परमात्मा ने कुछ अच्छे काम के लिए ही भेजा होगा। तो तब से मेरे पिताजी ने मुझे यही शिक्षा दी थी बचपन से, 4 साल तक मैंने अन्न का दाना नहीं चखा है, मेरे पिताजी ने मुझे खिलाया ही नहीं, मुझे फल ही पसंद थे, जूस ही पसंद थे, फ्रूट्स ही चाहिए, यही खाती थी। फिर मेरी दादी बोली बेटी है पराए घर जाएगी, कुछ खाना नहीं सिखाते हो, मुंह में चावल डालते हो तो थूक देती है, कुछ भी डालते हो थूक देती है, ये कैसे ससुराल जाएगी। फिर पिताजी जब पोरबंदर से छुट्टियों में, हमारा गांव बनासकांठा में है भाभर करके, वहां पे राधनपुर के पास, वहां जाते ना तो हमारा तो मिठाई का धंधा, वो चाचा जी और सब लोग, और मेरे सब चाचा जी बुआ दादा दादी सब डायबिटिक, मेरा खुद का भाई 450 डायबिटीज हो जाता है कभी कभी, लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ हम दो बहनें इस सिस्टम से जुड़ी हुई है, कौन कहता है रोग हेरिडिटी में आता है, मेरा टेस्टिंग इधर होता है आपके सामने, कभी नहीं आता है शुगर, क्योंकि एनीमा से पेनक्रियास से ऊपर से सब हटा दिया, वरना ये सब कुछ मुझे भी आने ही वाला था। यूं थी 85 kg, 45 kg से 85 kg हो गई थी दवाइयाँ और ये सब खा के। मेरा अनुभव तो अनुभव सत्र में पता चलेगा, ये ऐसे थोड़े ना आके बैठ गई हूँ, बहुत इम्तिहान से पास होके इधर आई हूँ, लोहे के चने चबाए हैं तब जाके इधर आई हूँ। दिन में 40 गोलियां मैं भी लेती थी, मैं भी डिप्रेशन की शिकार थी, हाँ आधी पागल हो चुकी थी,
और फिर ये पूरी दुनिया में जाना और ये मोटिवेशनल स्पीच देना, ये अंदर से ही आता है। मैंने चौहान साहब की एक भी बुक नहीं पढ़ी है, केवल उनको सुना है और अनुभव किया है। ज़्यादा से ज़्यादा सेमिनार और बस आंखें बंद करके उनको सुना है और अनुभव, बस आ गया सब कुछ। वरना मैं भी हिचकिचाती थी कैसे स्टेज पे जाऊँ, कैसे बोलूँ। चौहान साहब ना पहले मुझे 5 मिनट देते थे, चलो अनुभव बोलो। फिर मैंने बोली मैं नहीं बोल पाऊँगी। अरे बोले एक बार शुरू तो करो। फिर बोलते चलो ये बोल रहे सब आंखें बंद कर दो। हाँ, ऐसे करके मुझे मेरा स्टेज फियर छुड़वाया। 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, शाम का सेशन, पूरा सेमिनार, एक दिन का, वन डे से 2 डे, 3 डे, 5 दिन का, अब 10 दिन का सेमिनार। जितना भी आए, बस सामने 5 लाख भी हो, मैं बोल पाती हूँ। क्योंकि कितने भी लोग हैं, आज हम देखते हैं कि कोई भी पीड़ित है। मैं है ना, सामने नरेंद्र मोदी जी भी आए ना, तो भी मैं ये बोल सकती हूँ NDS के बारे में। आधी रात को भी उठा के बुलाने बिठा दो ना, तो मैं बोलती रहूँ। मुझे तो रोकना पड़े कि स्टॉप हो जाओ, वरना मुझे ना पानी की ज़रूरत है ना कुछ भी। आप थक जाओ, लेकिन मैं नहीं थकूँगी, क्योंकि NDS के बारे में इतने अनुभव हो चुके हैं ना कि आप बस टॉपिक छेड़ो और मैं जवाब दूँ। ये डॉक्टर किसने बनाया? चौहान साहब ने। क्योंकि बार बार सेमिनार किए तब जाके इतना मनोबल मजबूत हुआ। एक सेमिनार से मेरा जी नहीं भरता है। एक सेमिनार से क्या होगा? इधर तो केवल आप सीख के और करोगे तब पता चलेगा। दूसरे सेमिनार में आप थोड़े तैयार हो के आओगे कि हमने ये किया है ना। इसमें से कई लोग तैयार हो के आए हुए हैं। ये हमारी दीदी है ना, ये तैयार होके आई है, बम्बई से आई है, अकेली है। किसी ने पूछा अकेले आए? अरे हाँ, कि अकेले आना और अकेले जाना ये तो संसार का नियम है, तो कहीं भी जाना घबराना क्यों, यहाँ पे सब अपने ही है ना। तो ऐसे निडर बनने का, अकेले कैसे जाए, क्या होगा, कुछ नहीं सोचने का, हम अपने कल्याण के लिए जा रहे हैं। तो सेमिनार में अकेले है तो चिंता नहीं करने की, कहीं भी जाने का मन है जाओ। आगे बढ़ोगे, केवल 2 कदम आगे बढ़ो, 10 कदम परमात्मा आएंगे, क्योंकि ये तो भलाई का काम है। तो हमें जब रोग मिटाने हैं तो पहले अपना मनोबल मजबूत करना है कि मुझे ये करना ही है। और केवल अपने आप से सवाल पूछो ना, किसके लिए कर रहे हैं? पति के लिए न, बच्चों के लिए न, पति पत्नी के लिए, कोई के लिए नहीं, हम करते हैं खुद के लिए। तो जब हम खुद का नहीं सोचेंगे तो औरों के बारे में क्या सोचेंगे? तो अब रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है, पति का स्वास्थ्य सुधारना और घर में सास ससुर बड़े बुजुर्ग जो भी है, बच्चे हैं, उनके खान पान में केवल बदलाव लाओ। हमारे वर्दी भाई जी ने बहुत अच्छे ऑप्शन दे दिए। बच्चे बिस्किट मांगते हैं ना, ओट्स के बिस्किट रखे हुए हैं ना, वो नुकसानदेह नहीं है, उसमें मैदा नहीं है, ओट्स है जौ के, और उसमें गुड़ है, नारियल का दूध है, नारियल का बूरा है, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो बच्चे जब नहीं मानते तो वो बिस्किट के बजाय वो बिस्किट दे दो ना, ये ऑप्शन है। इसकी चॉकलेट भी आती है, सर्दी कफ मिटाने वाली, सौंठ, पिपरामूल, इलायची, फिर अदरक, फिर नहीं अदरक यानी सौंठ, कोकोनट, ऐसी मिक्स फ्लेवर में वर्दी भाई जी ने चॉकलेट बनाई है गुड़ वाली। खाओ के कितनी भी खाओ, आपको सर्दी कफ नहीं होंगे। उनकी चीज़ें जरा होती है, थोड़ी होती है कॉस्टली, लेकिन प्योर, कभी कोई मिक्सिंग नहीं। उनका स्पाइरी लूना का पाउडर हम लाए थे और इसके पापा को दिया था, केवल 3 दिन का रिजल्ट, शरीर में जान आ गई थी। तो
जो प्योर है वो थोड़ा तो महंगा मिलेगा क्योंकि उसमें प्योरिटी है। तो उनके यहाँ से हम जो चीज़ लाते हैं आंखें बंद करके लाते हैं। यहाँ पे जो ऑर्गेनिक चीनी रखी गई है, ब्राउन शुगर यानी ब्राउन कलर की शुगर, वो चीनी अगर हम चीनी नहीं खानी है लेकिन कहीं भी यूज़ करनी है तो ये आप ब्राउन शुगर यूज़, ये 100 रुपीज़ केजी आती है लेकिन बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है क्योंकि उसमें सल्फर नहीं है। सफ़ेद चीनी में सल्फर डाला होता है तभी वो सफ़ेद होती है, तो वो हमारी सेहत के लिए सफ़ेद चीनी बहुत नुकसानकारक है। और ये ऑर्गेनिक चीनी कभी कभार आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये चीज़ है। फिर ऑर्गेनिक गुड़ है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आप रोज़ाना उपयोग में आपको जहाँ भी ज़रूरत पड़े वो ले सकते हैं। हमें हमारे घर में बदलाव क्या लाना है, हो सके तो घर वालों को सुबह से लेके दोपहर 12 बजे तक अल्कलाइन फूड पे रखना है। अल्कलाइन यानी कच्चा अपक्वा। थोड़ा सा बदलाव, हर कोई थोड़े ना एनडीएस करेगा, हाँ नहीं करते कोई बात नहीं। पहले चाय का ऑप्शन काढ़ा, तुलसी सुधा, तुलसी के 20-25 पत्ते डाल दिए, क्या मस्त खुशबू आएगी और ये चेस्ट खुल जाएगा। तो तुलसी सुधा बना लो, तुलसी, अदरक, पुदीना, बहुत कफ है तो केवल एक स्ट्रिप कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, और लेमन ग्रास, लीली चाय जो आती है ना, वो धो के काट के डाल दो। जॉइंट्स पेन है और डायबिटीज भी है, विटामिन डी की कमी है शरीर में, तो उसमें 1 पिंच मेथी दाना, मेथी दाना सूखी मेथी, 1 पिंच मेथी दाना, 2 पिंच जीरा, जीरा जीरा अपन जो डालते हैं ना तड़के में, वो जीरा, और चम्मच भर के कच्ची सौंफ, एसिडिटी मिटानी है ना, कच्ची सौंफ सबसे ज्यादा, सौंफ यानी वरियाली। अदरक आ गया तो सौंठ की जरूरत नहीं है, आप अदरक नहीं डालते हो तो सौंठ, पिपरामूल कुछ भी डाल सकते हैं। जैसी सर्दी कफ और खांसी की तकलीफ है, पैरों का दर्द है, तो थोड़ा सा पिपरीमूल यानी गंठोड़ा, गंठोड़ा अपना पैर चलाता है, काढ़े में चुटकी भर डाल दो, या फिर सौंठ, गंठोला और ऑर्गेनिक गुड़ डाल के उसकी गोली बना लो और मुंह में चूसो ना, कितनी ताकत आएगी, आपकी भूख मर जाएगी और आपको संतुष्टि भी हो जाएगी। ये सब नेचुरल चीज़ें मैं बता रही हूँ जो हमारे डोशी वैदा में हम देखते थे। हमारे जो दादी लोग क्या करते थे, थोड़े ना जाते थे, और जाते थे तो भी नाड़ी वैद के पास, नाड़ी देखते, वैद क्या बोलते, एक लंघन करना, दो लंघन करना, पहले के वैद यही बोलते थे। तो हमें वही चीज़ों को वापस लाना है। पहले के ज़माने में गाय का घी खाने को बोलते थे, अब हमारे गुरुजी ना बोलते हैं कि हो सके वहाँ तक घी का उपयोग न करें, क्योंकि गाय का हम कैसा भी ढूंढने जाए मुमकिन नहीं है प्योर घी मिलना। आप खुद गाय एक रखो, उसको पालो पोसो, नहलाओ धोलाओ और वो घास चारा खिलाओ, और फिर आप उसका दूध निकाल के थोड़ा सा, हाँ ज़्यादा नहीं, और फिर उसका घी बना के लो, क्या इतनी प्रोसीजर आप करोगे? अरे आज के तो बहु बेटियाँ घर में सास ससुर को रखना नहीं चाहती, वो गाय को कैसे रखेगी? तो ये गाय को रखना और उसकी सेवा करना इतना आसान नहीं है। गिर गाय का दूध बहुत अच्छा है लेकिन किसके लिए? दवाई के स्वरूप में जब ज़रूरत है। सबसे अच्छा दूध है बकरी का, लेकिन कब? जब कोई ऐसी बीमारी है तो डायरेक्ट उसकी धार
बकरी की दूध की धार मुंह में गिरानी है तो फिर रोगों में उसका इलाज होता है, लेकिन वो संयमित वक्त पे होता है, रोज़ाना थोड़े ना पीना है। तो हमारे लिए पराई माँ का दूध रोज़ाना पीना ज़रूरी नहीं है, कभी कभार। और गाय का घी आप लो, उससे अच्छा है कोल्ड प्रेस तिल का तेल लो। जैसे रोटला बनाओगे ना घर पे जाके, तो अब कैसे बनाओगे? पानी से आटा नहीं बनाओगे। मिलेट है आपके लिए आ गए हैं, पैकिंग हो रहे हैं, उसका रोटला, रोटली, पूरी, पूरी नहीं सॉरी पराठा, हाँ पूरी भी खा सकते हैं कभी कभार। भाई श्राद्ध चल रहा है, पूरी की इच्छा होती है, तो मिलेट का आटा पीस दो और उसको वेजिटेबल के पल्प से आटा बनाओ। जैसे आज घर में लौकी पड़ी है, तो इतनी सी लौकी ली, अच्छे से धो ली, उसको काट ली, उसमें एक हरी मिर्ची, जरा सा अदरक, लहसुन खाते तो दो पीस लहसुन, जो भी मसाला, नमक डालना है, काली मिर्च डालनी है, जो भी डालना है मसाला डाल के उसकी मस्त चटनी पेस्ट बना लो, थोड़ा सा पानी डाल के। थिक पेस्ट जो तैयार हो गई, अब वो बर्तन में निकाल दो। वो पेस्ट में जितना आटा मिले उतना मिला के उसका मस्त आटा बना के फर्स्ट क्लास रोटला बनाओ, पराठा बनाओ, थेपला बनाओ, या पूड़ी बनाओ, रोटी बनाओ, जो भी बनाना है। उसके ऊपर आप कच्चे तिल का तेल लगा के खाओगे रोटी के ऊपर, तो कच्चा तेल सेहत के लिए बहुत अच्छा है, वो बॉडी में ऑयलिंग का अच्छा सा काम करता है, और तिल के तेल में भरपूर कैल्शियम है। तो तिल का तेल आप एक छोटी चम्मच, हाँ एक या दो चम्मच रोज़ाना, फिर आप मिलेट की खिचड़ी बना के खाओगे, ऊपर से तेल डाल के खाओगे ना, बहुत मस्त लगता है। हम जो घूटा बनाते हैं ना, वो घूटा कैसे, मिलेट आपने सुबह उठ के भिगा देने के, देखो फर्मेंटेड मिलेट रोग मिटाने के लिए है। जो भी कैंसर पेशेंट है उनका कैंसर 6 महीने में गायब हो जाएगा, अगर 100% सिस्टम में रहेंगे तो, वरना नहीं। आपको केवल अनुभवी साधक को पूछ के डाइट का प्लान आगे आहिस्ता आहिस्ता कठिन से कठिन करना पड़ेगा। बहुत कठिन तपश्चर्या मैं करवाती हूँ, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वापस ले आते हैं साइकिल। तब तक करीबन आपके 6 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, अब आपका खून शुद्ध हो गया है। 4 महीने के बाद आपको अल्ट्रासाउंड या रिपोर्ट करवाने की छूट है, लेकिन डाइट प्लान जैसा दिया जाए वैसा स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, कोई बहानेबाजी नहीं। ये नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है, मैं क्या करूं, मेरी पत्नी बना के नहीं देती मुझे, घर में ये लोग बोलते हैं, कोई बहाना, ये आपकी पारायण में सुनना ही नहीं चाहती हूँ। रिजल्ट चाहिए तो करो, और जिन्होंने कीमो वगैरह नहीं करवाया है और सर्जरी नहीं करवाई है, उनके लिए भी मेरे पास एक एड्रेस है जो राजकोट में है, और जिन्होंने कितने लोगों का कैंसर मिटाया है, तो वो भी क्या देते, ये कौन सा सोडा बोला था कल मैंने, हाँ नहीं अमेरिकन सोडा, बेकिंग सोडा, और स्पाइरिलुना का पाउडर ही देते हैं, और खुद NDSC करते हैं वो, लेकिन वो उनका ही इलाज करते हैं जिन्होंने सर्जरी और कीमो नहीं लिए हैं, उनका ही इलाज करते हैं वो, और मिटा देते हैं पूरा। हाँ लेकिन कीमो लिए है वो लोग नहीं जा सकते, हाँ वो जा सकते हैं, वो हम बाद में आपको बताते हैं, है ना। तो क्योंकि हम लोगों को भ्रमित करना नहीं चाहते हैं, करना है तो NDS, और NDS के ऊपर
हम जो ज्यूसिस पे रहते हैं, जो नेचुरोथेरेपी पे चलते हैं, उसी पे चलना है और बैलेंस फूड लेना है ताकि वीकनेस ना आ जाए। एक बार वीकनेस आएगी लेकिन वो वापस चली जाएगी। ये सिस्टम में ना देखो, वेट तो सबका लॉस होता ही है, क्योंकि मैंने भी जब किया था तो मैंने भी एक दिन निर्जल और एक दिन अंगूर का रस, ऐसा 50 दिन किया था और अपना वेट 30 kg कम हुआ था मेरा। 4.5 महीने में 30 kg पता नहीं कहाँ उड़ गया, सारा मावा निकल गया। और ये 13 साल हुए, एक मेटासिन मेरे घर में नहीं आई है, सिंगल मेडिसिन नहीं। लेकिन 13 साल हुआ मेरे घर में पराई माँ का दूध नहीं खरीदा जाता है। तो आप भी अपने घर में ऐसे बदलाव लाके अपने घर को निरोगी कर सकते हैं, लेकिन करना पड़ेगा। खुद नहीं कर सकते हैं, सर्वेंट से करवा लो। आपके यहाँ जो भी काम करने आते हैं ना, थोड़े पैसे ज़्यादा दे दोगे ना, वो खुश होके कर देंगे। हर चीज़ का ऑप्शन है दुनिया में। परमात्मा ने ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाई जिसका ऑप्शन ना हो। मनुष्य की खोज और ईश्वर की खोज, दोनों में फर्क है। ईश्वर ने तो सृष्टि की रचना की ना, उससे पहले पृथ्वी की रचना की थी। ये सब पेड़ पौधे ये सब मनुष्य के लिए उन्होंने पहले ही दिए थे, फिर मनुष्य का जन्म हुआ। तो ठीक वैसे ही हमें भी, जब अपने घर में कोई नया मेहमान आने वाला हो तो उसकी तैयारी पहले से, क्योंकि यहाँ पे तो ज़्यादातर दादियाँ हैं, बहुएँ कम है। तो हमें यही ध्यान रखना है कि अपनी बहू बेटी को हम क्या खान पान में बदलाव लाए। सुबह तुलसी सुधा यानी चाय छूट गई, दोपहर तक जब भी मांगे ना जूस, फ्रूट का अलग अलग सीजनल रीजनल ओरिजिनल फ्रूट जितने भी मिले थाली में मस्त सजा के देने के, साथ में अपना चाट मसाला घर का देने का, कि पसंद ना हो तो खुद डाले, डाल के नहीं देने का। मसाले की आदत मत डालो। फ्रूट प्लेट, ये उनका ब्रेकफास्ट, साथ में फ्रूट जूस तो चाहिए ही। हाँ, ग्रीन जूस बनने में देर लगती है तो फ्रूट जूस पहले काढ़ा, काढ़े के बाद हो सके तो ग्रीन जूस, ग्रीन जूस के बाद फ्रूट जूस और फ्रूट प्लेट, और उसके बाद पेट भर के सलाद, और फिर दाल चावल सब्जी रोटी जो भी खाना है पकाओ और खिलाओ। 12 बजे तक आपने अल्कलाइन भोजन पे रखा, एक ही वो काढ़ा गया, लेकिन वो भी इतना नुकसानदेह नहीं है, वो हेल्दी है। मैंने बताया ना, उसमें रेसिपी तो मैंने बता दी ना, सौंफ यानी वरियाली, वो सब चीज़ें डालनी, ऑर्गेनिक गुड़ डालना है, गुड़ बहुत नहीं उबालना है काढ़े में, सब कुछ उबल जाए। जैसे 2 गिलास पानी रखे तो 1.25 गिलास बच जाए या 1.5 गिलास बच जाए, पहले फुल आँच फिर मीडियम या स्लो आँच पे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता होता रहे, तब अपना आप अपना काम कर लो। ये जो सूखा जो है ना, मेथी जीरा सौंफ वरियाली, वो सब दरदरा पीसना है, कूटना है या मिक्सी में चटनी जार में या किसी में भी, एक ही आटा, हाँ चालू बंद, बस ज़्यादा बारीक नहीं होना चाहिए वरना गले में फंसेगा। तो ऐसे दर दरा पीस के बोतल तैयार करके ही रख देने की। सबसे ज़्यादा सौंफ लेने की, सौंफ ठंडी नहीं पड़ेगी, आपका कफ बाहर निकालेगी। जीरा में कैल्शियम है तो जीरा चाहिए, मेथी विटामिन D3 वो चाहिए। तो अब वो सब दरदरा पाउडर करके आप उसमें इलायची दालचीनी थोड़ा सा काली मिर्च, पाउडर नहीं डालो तो साबुत डालो, रोज 2-3 पीस डाल दोगे ना साबुत, तो वो एसिडिटी नहीं करेगा। और ये सब उबाल के थोड़ा कम हो जाए फिर उसमें ऑर्गेनिक गुड़ डालो काट के, ताकि ज़्यादा देर उसको उबालना ना पड़े। बस उसमें चम्मच घुमाओ बीच बीच में,
गुड़ पिघल जाए फिर उसको थोड़ी देर रख के फिर गैस बंद करके छेद वाला काने वाला उसका प्लेट ढक के थोड़ी देर रख दो। 5-7 मिनट के बाद सब कुछ नीचे बैठ जाएगा। फिर बिना हिलाए ऊपर ऊपर से आप कप में छान के भर दो। और नींबू चाहिए तो ऊपर से कप में डालने का और पियो। बचता है वो काढ़ा तो ठंडा होने के बाद या वैसे ही आप उसे मिट्टी के बर्तन में कुल्हड़ी में या किसी में भी वो मसाले के साथ या मसाले के बगैर आप ठंडा होने के बाद उसमें रखोगे शाम तक वैसे का वैसा रहेगा। शाम को चाय का वक्त हुआ काढ़ा गर्म करके पी लो क्योंकि दो बार इतनी झंझट कौन करेगा। तो वैसे आप मिट्टी के बर्तन में या फिर ठंडा मौसम है तो आपके पास कांच का बर्तन है उसमें डाल दो। लेकिन वो बर्तन को पानी में रखो मटके के पास रखो। और फिर कोई भी इलाज नहीं, आप जॉब पे जाते और पीछे कोई संभालने वाला नहीं है तो कोई बात नहीं, ठंडा करके फ्रिज में डाल दो। ये आखिरी ऑप्शन। लेकिन चाय का ऑप्शन इधर है। अब आप यहाँ से इतना जानने के बाद चाय नहीं पियोगे। पियोगे? पियोगे? ऑप्शन मिल जाए तो नहीं पियोगे। एक बार इसका ट्राई तो करके देखना कितना मस्त लगता है। उसमें आप चाय का मसाला भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। भोपाल में तो लोग है ना एक एक गिलास भर भर के पीते हैं, इतना मस्त बनाते। मैं खुद पीती हूँ वहाँ पे, लेकिन सुबह में नहीं, मेरा सुबह दोपहर को होता है। मैं अपनी ऑटोफैगी नहीं तोड़ती हूँ। तो वैसे आप ले लिया, फिर दोपहर तक ये जूस फ्रूट सैलेड उसके ऊपर रख देने का। फिर दोपहर को जो भी मांगे, बच्चे भी हैं आपके घर वाले भी हैं, मिलेट का आइटम हो सके तो बनाओ। गेहूं और चावल ना खाओ तो देखना उनका जो भी रोग है वो मिटने लगेगा। लेकिन सैलेड 300 से 400 ग्राम पहले खिला देना है। मिक्स सैलेड जो आप इधर खाते हैं ना, कद्दू क्रश करके स्मूदी बना के कैसे भी करके पहले सैलेड का बाउल फिर खाना परोसो। दाल चावल सब्जी रोटी, चावल यानी मिलेट, मिलेट नहीं, अगर घर वाले नहीं मानते हैं ना तो ब्राउन चावल जो आते हैं ना वो दे दो। उनका रास्ता बदलने का प्रयत्न करो, जरूर बदलेंगे। उनको टेस्ट से मतलब है, अंदर मसाला क्या पड़ता है उनको उससे कुछ मतलब ही नहीं रहता है। उनका पेट भरो और पेट भर के उनको खिला दो। बस शाम को चाय का टाइम हुआ, फिर से काढ़ा। बिस्किट मांगते हैं तो ओट्स के दे दो, फिर बिस्किट भी छुड़वा दो। और शाम के वक्त हो सके तो कोई फ्रूट जूस वापस दे दो। अरे कोई झंझट में नहीं पड़ना है तो 3-4 बजे नारियल पानी दे दो नींबू डाल के, या 12 बजे तक आप नारियल पानी देते हो तो वो सेहत के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन बिना नींबू के नारियल पानी देना गलत है। तो नारियल पानी में 2-4 ड्रॉप लेमन जाना ही चाहिए। सुबह सुबह भी आप नारियल पानी ये ग्रीन जूस के बाद या कुछ एक केला वेला खा ले उसके आगे पीछे आप नारियल पानी दे सकते हैं, 2-4 ड्रॉप लेमन। क्योंकि आज जूस बनाने का वक्त नहीं है, घर में बहुत मेहमान है, बहुत कुछ बनाना है, तो क्या करोगे, जूस बनाने कहाँ बैठोगे। नारियल पानी, नींबू पानी, कुछ भी। और जो गर्म पीना छोड़ दे उनके लिए लॉन्ग लाइफ हेल्दी लाइफ जीनी है तो पहले एक नींबू क्रश करके उसमें और पानी डाल के हिला के छान के उसमें शहद, या शहद नहीं चाहिए तो इतना सा काला नमक, या नमक भी नहीं चाहिए तो कुछ भी नहीं, केवल नींबू और पानी, एक गिलास दिन की शुरुआत। इससे स्किन का सारा रोग चला जाएगा, सोराइसिस तक चला जाता है, धाधर है दादर है जो भी है। पहला दिन का जितना कर पाओ उतना उपवास, लेकिन ना कर पाओ तो
चाय दूध के जगह पे नींबू डालोगे और वो भी छिलके के सहित, अब वो एंटी कैंसर है, आपको कैंसर नहीं हो पाएगा। छिलके के सहित, हाँ शहद डाल सकते हैं। अपने यहाँ एमपी का प्योर शहद आया है, 400 रुपया केजी है, लेकिन इतना प्योर है कि फ्रिज में रखोगे तो भी नहीं जमेगा, सालों रखोगे फिर भी वैसे का वैसा रहेगा। 2 केजी का बरनी है, इसीलिए 800 रुपये का है, वरना छुट्टक तो वो महंगा पड़ता है। तो शहद जितना पुराना हो उतना अच्छा है, और एकदम 100% प्योर है एमपी का। वो मधुमक्खी को मार के नहीं लिया जाता है, मधुमक्खी अपने इच्छा से वो मध उछेर केंद्र में एक प्लेट में वो छोड़ के जाती है वो शहद। हम उसको बुक करवाते हैं, हमें साल में 2 ही बार मिलता है। तो अभी वो शहद आया है, हम 2 बॉक्स लाए हैं, एक बॉक्स में पता नहीं 18 बरनी होती है 2-2 केजी की, तो लेनी पड़े 2-2 केजी, इसमें आगे पीछे नहीं हो पाएगा। लेकिन वो शहद इतना मस्त है कि आपका बच्चा अगर शहद नहीं खाता है लेकिन ये शहद अवश्य खाएगा। आपका जो मैंगो शेक, जो भी आपकी मीठी चीज़ें इधर बनती है ना, वो शहद में बनती है, तो उसका टेस्ट बहुत मस्त है। बच्चे रोटी पे भी लगा के खाते हैं, दूध में भी आप ये शहद डालोगे ना तो बहुत अच्छा मीठापन आएगा, बिल्कुल खटास नहीं है इसमें, क्योंकि ये नेचुरल और प्योर शहद है। प्योर शहद मिलना बहुत मुश्किल है, लोग कहते हैं पूड़े से गिराया है, ये है वो है, लेकिन वो लोग वो बाल्टी में ही पहले से शक्कर की वो चीनी की चाशनी बना के ले आते हैं और उसमें डालते हैं, ये गलत है। सच्चा शहद आपका रोग मिटा सकता है, कैंसर में भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ या फिर आपको कुछ भी ऐसे चट्टान बना के, जैसे कोलेस्ट्रॉल फूल है जिसको बाईपास कहा गया है, तो वो क्या करेंगे, वो शहद में, सच्चे शहद में दालचीनी का पाउडर मिला के रोज़ाना लेते हैं। देखो अपने डॉक्टर खुद बनने का, फर्स्ट आपको समझ में ना आए तो उसको बाद में भी ले सकते हैं कुछ खाने के बाद, क्योंकि किसी को एसिडिटी करता है तो बाद में ले सकता है। शहद और दालचीनी का पाउडर वेट को भी सीमित करता है और अपने ब्लॉकेजेस खोलने में भी मदद करता है। दालचीनी का पाउडर सबके लिए बहुत अच्छा होता है, तो उसका उपयोग आप शहद के साथ मिला के चाटने में कर सकते हैं। जिनको वीकनेस रहती है वो लोग नींबू पानी में शहद डाल के पी सकते हैं। अपना उपवास छोड़ने का सबसे आसान तरीका नींबू पानी शहद, उसके ऊपर आप नवरात्र भी कर सकते हैं। चाहे कैसी भी एसिडिटी है, एसिडिटी का मारन और उसकी दवा जो है वो नींबू है, उसका स्पेशल बुक आता है नींबू। हरीश भाई के पास सारी बुक्स है, बुक्स को बसाओ, उसको पढ़ो और औरों को पढ़ने के लिए दो। बुक का ज्ञान हम जीवन भर अपने पास रख सकते हैं। मेरा बोला मिट सकता है लेकिन बुक में लिखा नहीं मिट सकता है। बुक्स का सेट अवश्य खरीदो, इसके पैसों के पीछे मत देखो, लेकिन वो ऐसा ज्ञान है जो आप पढ़ के उसका पठन गीता जी की तरह करो, क्योंकि इसमें स्वास्थ्य प्रद जो भी आपको दिया जाता है स्वास्थ्य के लिए, वो आपके लिए एक अमूल्य खजाना है। तो वो आप लेके जरूर जाना, क्योंकि फ्री टाइम में क्या करोगे, आपको थोड़े ना मेरी तरह भागते रहना है। आप तो घर में जाके काम लिपटा लिया, 2 पैर को फ्री है, ओटले भांगे उसके उससे ज़्यादा अच्छा है कुछ बुक में पढ़े, क्योंकि 4 चोटले मिलके ओटले भांगते और किसी का घर भांगते, इससे अच्छा है हम कुछ अच्छा पढ़े और उसका ज्ञान का आदान प्रदान करें। इसकी बहू ने ये किया, उसकी बहू ने ये किया, ये चंचुपात छोड़ देने का।
हमारी बहू अच्छी है, भगवान ने हमें हमारे किस्मत से जैसी भी दी है, हम उसे प्यार देंगे, वो अच्छी हो जाएगी, हम उसे अच्छा सिखाएंगे, वो अपने आप आ जाएगी। हम आज आए हैं, अगले सेमिनार में प्रयत्न करेंगे कि बहू और बेटा भी छुट्टियों के दिन में भले पूरा सेमिनार करे ना करे, लेकिन माता उनके साथ आएगी, लेके आएगी कुछ समझा बुझा के, तो उनको भी थोड़ा पसंद आएगा। आप कहोगे तो हम यंगस्टर्स का सेमिनार अलग से करेंगे, बच्चों का भी करेंगे, मुझे सब किस्म का बोलना फाता है, क्योंकि मैं ना स्कूलों में भी जाती हूँ और कॉलेज में भी जाती हूँ प्रवचन देने, और बुजुर्ग में भी जाती हूँ, जहाँ भी बोलो, जहाँ कैसा स्टाफ बैठा है उस हिसाब से बोलने का, वो कंटालना नहीं चाहिए, भाषा बदल देने की, समझाना तो वही है, दूध तो छुड़वाना ही है, ब्रेड बर्गर तो छुड़वाना है, लेकिन यंगस्टर्स को कॉलेज में जाके सीधा ये नहीं बोलने का कि आपको पिज़्ज़ा नहीं खाने का, पहले समझा देने का कि चीज़ कहाँ से बनता है, खराब हुए दूध में से और फटे हुए दूध में से पनीर बनता है, लेकिन कितना नुकसानदेह है। आप जो चीज़ मांगते हो ना बच्चों, वो चीज़ आप तक कैसे आ पाएगा जब तक हमारे पास इतना दूध देने वाले पशु ही नहीं है। हमें जो दूध देने वाले पशु है ना, वो हमारा केवल 14 करोड़ लीटर दूध सही आता है, और दूध बिकता है 64 करोड़ लीटर, 50 करोड़ लीटर दूध नकली आता है, कहाँ से आता है, कुछ ना कुछ मिक्सिंग है। तो ये है, अब दूध नहीं है तो चीज़ कैसे बनेगा, तो वो बनता है गाय को जबरदस्ती प्रेग्नेंट करके, उसके बछड़े को जन्म देके, उसका दूध बेच के, उसके बछड़ा जो है ना उसके जठर में ऐसा सड़िया लोहे का डाल के, उसमें से रेनेट नाम का स्त्राव खींच के, उसमें से चीज़ बनता है, और आपका बच्चा खाता है डबल चीज़ पिज़्ज़ा, और वो बछड़े को मौत के घाट उतारा जाता है, काट के उसका मांस बेचा जाता है। खिलाओगे ऐसा पिज़्ज़ा? नहीं खिलाओगे, लेकिन हाँ उसकी स्लाइड हाँ मेरे पास थी, लेकिन मुझे ना ये सब सेव करना नहीं आता है, और भी है मेरे पास एक दो वीडियो ऐसे कि ये सब चितार दिखाया जाता है, आप देखोगे ना कि कितना अत्याचार होता है ये गूंगे प्राणी पे, और वो स्लाइड आप अपने बच्चों को दिखाओ, वो छोड़ देंगे ये चॉकलेट्स, ये दूध, ये केक पेस्ट्री सब कुछ छोड़ देंगे। खिलाओ ना, कल का केक कैसा लगा? अच्छा था ना? जिस माता जी ने बनवाया उस बेचारे ने कितना खर्चा किया है। तो ऐसा हेल्दी केक खिलाओगे तो क्या आपके बच्चे का बर्थडे आप नहीं मना पाओगे? बर्थडे के दिन क्या कैंडल बुझाते हैं, जलाते हैं, दिया जलाते हैं? तो एक सही ज्ञान बांटो, गाडरिये प्रवाह में मत बहो। दुनिया जो अभी तो नया निकला है, रात को 12 बजे बर्थडे मनाते हैं, सरप्राइज देते हैं, चलो सरप्राइज कल जैसा होना चाहिए, वक्त पे इंसान सो पाए। ये तो 12 बजे जगाते हैं, और जो बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल है ना उसको चाटा मारते हैं, हाँ, और उसका गाल ऐसे भर देते हैं केक से। कुछ तो गरीब को खिलाओ, बेचारे जो मंदिर के बाहर बैठे हैं, गरीब देखो ना, गरीबी नहीं देख सकते हैं। मुझे ना किसी की भी गरीबी नहीं, सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? गरीबी से बड़ी दुनिया में कोई बीमारी नहीं है, ये कोरोना भी उसके पीछे है। दुनिया में जब हम गरीबी और दुनिया का दर्द देखते हैं ना, तो फिर पता चलता है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। ये जब बाहर निकलो ना तो पता चले। मैं तो जगह जगह पे जाती हूँ ना सेमिनार लेने, तो देखती हूँ गांव में जिन्होंने कभी होटल नाम नहीं सुना है वहां पे भी कैंसर है। पूछा कि क्या लेते हो, तो बोले बस अपनी गैया है, तो
थोड़ा दूध बेचते हैं और थोड़ा पीते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि सब्जियां तो लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है, वहां पे बस भी नहीं जाती, लाइट भी नहीं है, ऐसे गांव में आज कैंसर है। सोचिए आप कहां से आया, उनका खोराक केवल दूध और रोटला है, दूध और खिचड़ी है, बेचारे कभी होटल नहीं गए, फिर भी उनको कैंसर हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड्स वाला खाना हम भी खाते हैं और गाय भैंस भी खाते हैं, उसी से उनको भी बेचारे को कैंसर होता होगा, लेकिन उनका बायोप्सी कौन करवाए और वही दूध निकाल के हम पीते हैं। तभी तो हमारी दादी जिन्होंने कभी कुछ नहीं देखा, फूड पाइप का कैंसर कैसे आया, जबकि वो कभी अस्पताल नहीं गई। खुद के बेटी की शादी में आप ओम शांति वाले देखोगे, कहीं नहीं खाना खाते हैं, वो लोग भी पीड़ित है, क्योंकि मैं ओम शांति में भी बहुत लेक्चर कर चुके हैं, वहां भी लोग पीड़ित है, भले खुद बनाते हैं लेकिन पेस्टिसाइड्स वाला आता है ना, ऑर्गेनिक नहीं मिलता है, तो आपको पेस्टिसाइड्स भी आपको कैंसर कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि कच्चा खाए तो कैंसर से, आप कच्चे में भी आपको संभालना पड़ता है, उसको अच्छे से धोना पड़ता है। पेस्टिसाइड्स, आप कोई भी चीज़ आप मार्केट से लाते हो जो पैकेट फूड है या अब तो सब्जियां भी मिलती है, लिखा होता है कीप कूल एट ड्राई प्लेस, और हम उसको निकाल के सीधा चूल्हे पे चढ़ा देते हैं, कूल एंड ड्राई प्लेस लिखा है, फिर भी उसको उबालते हैं, तो अगर उसमें पेस्टिसाइड्स है और पेस्टिसाइड्स जब उबलते हैं तो वो तो 10 गुना ज़्यादा जहरीले हो जाते हैं, बहुत फास्ट फैलते हैं। तो सब्जियों को धोने का तरीका, फिट करी के पानी में डुबा के रखो, 10 रुपये की फिट करी है ना अपने पास, 4-5 पैकेट है, एक टुकड़ा ले लिया, 10 रुपये की फिट करी, सोचिए आप स्वास्थ्य कितना सस्ते में आपको मिलता है लेकिन आपको पता नहीं है। एक फिटकरी का टुकड़ा लिया, बड़ा पतेला पानी भरा और उसमें आपने वो एक टुकड़ा डाल दिया 5 मिनट के लिए, फिर 5 बार घुमा के निकाल दो वापस, वो टुकड़ा कई दिनों तक चलेगा। अब एक बार सादे पानी से जो भी मार्केट से लाए उसमें से जो भी आज के दिन में यूज करना है वो चीज़ आप सुबह में धो लो अच्छे से, पहले सादे पानी से धो के फिट करे वाले पानी में डुबा के फिर आप नहाने जाओ। फिट करी यानी फटकड़ी, फटकड़ी 10 रुपये की, हाँ कितना सस्ता है, और उसमें डुबा के आप नहाने चले गए या कहीं भी आपको जो भी काम है पूजा पाठ करने बैठ गए, वो आधा घंटा जितना भी वक्त है भिगा के रखो, उसमें से ऊपर ऊपर से सारे पेस्टिसाइड्स निकल जाएंगे। अब दूसरा पानी, तो पूरे दिन का नींबू है ना, नींबू जितने चाहिए ना पूरे दिन के निचोड़ दो, वो जो छिलके है ना वो दूसरे टब में ऐसे ऐसे करके उसमें छोड़ दो और दूसरा पानी उसमें डुबा के छोड़ दो, फिर और काम में लग जाओ, वो अंदर थोड़ी देर रहेंगे तो साफ हो जाएंगे, एकदम ऊपर से सब कुछ साफ हो जाएंगे। और या फिर सादा नमक, जो खड़ा नमक नहीं आता है जो पहले हम धो के पिसाते थे, हाँ वो लो ना, तो वो नमक अगर हम खाते हैं ना तो वो सेंधा नमक से बिल्कुल मिलता जुलता है। सेंधा नमक जिसको महंगा पड़ता है ना वो नमक खा सकता है, लेकिन आयोडाइज नमक कभी नहीं। हाँ आयोडाइज नमक बहुत नुकसानदेह है, वही ब्लड प्रेशर को जन्म देता है, हार्ट का पंपिंग कम करता है और हार्ट को ब्रॉड करता है। तो आप सेंधा नमक या खड़ा नमक ले सकते हैं। खड़ा नमक का पाव, खड़ा नमक आता है ना, वो एक टुकड़ा पानी में डाल के नमक वाला पानी करके उसमें भी डुबा सकते हैं। ऐसे 3-4 पानी से अच्छे से धो के, पहले सादा पानी, फिर ये तीनों पानी, फिर सादा पानी, इसके पीछे बैठे नहीं रहना है, डाल डाल के अपने काम में लग जाना है, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा जितना वक्त है अच्छे से धो लो, फिर छेद वाले जाली बास्केट में डाल दो, पानी निकल जावे
फिर एक पतला सा कॉटन का दुपट्टा जो अपना पुराना है या कोई भी ऐसा कपड़ा है कॉटन का, उसमें उसको बास्केट में बिछा के उसमें डाल दो और उसके ऊपर कपड़ा ढक के पूरे दिन का जो फ्रूट और वेजिटेबल है रख दो। बच्चों को ठंडा पसंद है, फ्रिज में रख दो, लेकिन पूरे दिन का सामान धो के रखना है। अब ये पेस्टिसाइड फ्री हुआ ऊपर ऊपर से, अंदर से तो कौन निकाले। ऑर्गेनिक फार्मिंग करना सीख लो, टेरेस गार्डन बनाओ, और हो सके तो अपने आप अपना खाने पीने का उतना सामान तो गार्डन में, अपने किचन गार्डन में आप उगाओ, हो सके तो। और अब आता है ये अल्कलाइन वाटर। लेकिन मुझे पता नहीं है, क्योंकि भाजियां तो धोने से अच्छी नहीं रहती है। आप धो के कुछ वो टमाटर खीरा ये सब रख सकते, लेकिन कोरा करके फ्री फ्रिज में रखना, और फ्रिज में उसका एयर डायरेक्ट नहीं छूना चाहिए, उसको डिब्बे में रखो तो हमेशा फ्रेश रहेंगे। भाजी है तो उसको कॉटन के कपड़े में लपेट के फिर उसको पॉलीथीन में या प्लास्टिक के डिब्बे में या स्टील के डिब्बे में, लेकिन पहले कॉटन का कपड़ा फिर डिब्बा, तो वो वैसे की वैसी भाजी और ये सब रहते, धनिया पुदीना जो भी है, पहले उसको हवा में थोड़ी देर सूखा करो 10-15 मिनट, फिर उसको ऐसे कर सकते हैं।